कोरोना महामारी जब तक भी है, सरकार ने तय किया है हम हर नौजवान को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसको भत्ता देंगे, वाहन भत्ता देंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाएगा उसको आने जाने का किराया की भत्ता सरकार उपलब्ध करवाएगी, वन टाइम भत्ता से उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार कर रही है। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वर्चुअली कर रहा हो या फिर फिजिकली कर रहा हो उसके लिए टैबलेट की व्यवस्था सरकार कर रही है, और सरकार ने भी व्यवस्था की है टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस हर प्रदेश के नौजवान को जो स्नातक में है, स्नातक प्रास्नातक में है, वह मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा का, बीए, बीकॉम, बीएससी का, किसी भी उससे जुड़ा हुआ छात्र है, नर्सिंग का, फार्मेसी का, जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जो भी कर रहा है हर नौजवान को एक टैबलेट और टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस की सुविधा सरकार दिलाने जा रही है, जिससे कोरोना महामारी का सामना करते हुए वह नौजवान अपने पाठ्यक्रम को समय से पूरा कर सके और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके भी अपने उज्जवल भविष्य के साथ जुड़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर सके।